कार्यवाहक पीएम नरेंद्र मोदी को मिला सरकार बनाने का न्योता, राष्ट्रपति ने सौंपा निमंत्रण पत्र, 9 जून को शाम 6:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह। शपथ ग्रहण का निमंत्रण मिलने के बाद पीएम बोले, नई सरकार में नए विजन के साथ आगे बढ़ेंगे, विकास की रफ्तार नहीं होगी कम। मोदी ने वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के घर जाकर लिया आशीर्वाद, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी की मुलाकात। 7 पड़ोसी देशों के शीर्ष नेता शपथ ग्रहण में होंगे शामिल, हम साथ हैं का देंगे संदेश। मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू शपथ ग्रहण में होंगे शामिल, मोइजू ने भारत आने का न्योता किया है स्वीकार। शपथ ग्रहण के बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जा सकते हैं पीएम मोदी, काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन, वहीं काशी वासियों को जताएंगे आभार। शपथ ग्रहण के साथ चल रही है पीएम मोदी के पहले विदेश दौरे की तैयारी, 13 जून को इटली के लिए रवाना होंगे, G7 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव जीतने पर मोदी को एलन मस्क ने दी बधाई, भारत के साथ काम करने की उम्मीद जताई। शपथ ग्रहण से पहले पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, बातचीत के जरिए विवादों का समाधान चाहता है पाकिस्तान। दिल्ली में शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर, 2 दिन के लिए दिल्ली नो फ्लाइंग जोन घोषित, ड्रोन पैराग्लाइडर्स की उड़ान पर भी पाबंदी। मोदी 3.0 की टीम लगभग तैयार, शिवसेना से 1, एनसीपी से 1 केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा, वहीं सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। जेपी नड्डा के घर एनडीए की अहम बैठक, बैठक में राजनाथ सिंह, अमित शाह और नीतीश कुमार रहे मौजूद, एनडीए के दूसरे नेता भी हुए शामिल। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार ने दिल खोलकर की पीएम मोदी की तारीफ, नीतीश ने छुए पैर तो पीएम ने हाथ पकड़ा और गले लगाया। नीतीश की ओर से मोदी के पैर छूने पर पप्पू यादव ने कसा तंज, बोले जब मोदी के पैर छू सकते हैं तो लालू यादव के भी पैर छूने चाहिए। संसद परिसर से गांधी, अंबेडकर और शिवाजी की मूर्तियां शिफ्ट करने पर सियासी बवाल, कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुने जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर, बीजेपी कार्यालय पर मनाया गया जश्न, ढोल और नगाड़ों के साथ की गई आतिशबाजी। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद यूपी सरकार के मंत्रियों की बैठक, सीएम योगी ने बुलाई अहम बैठक, मंत्रियों को लखनऊ में ही रहने के निर्देश। आज सुबह 11 बजे होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, कांग्रेस के तमाम नेता मीटिंग में होंगे शामिल, वहीं 1 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम ममता नवनिर्वाचित टीएमसी सांसदों के साथ करेंगी बैठक, राजनीतिक स्थिति को लेकर की जाएगी चर्चा। आज होगी समाजवादी पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक, सुबह 11:30 बजे लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर में होगी अहम मीटिंग। सीएम एकनाथ शिंदे ने बुलाई विधायकों की बैठक, लोकसभा चुनाव परिणाम और विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर जमकर होगी चर्चा। 12 जून को सीएम पद की शपथ लेंगे चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी नेताओं ने विधानसभा में तैयारियों का लिया है जायजा। आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी नेता के घर पर टीडीपी कार्यकर्ताओं ने बोला हमला, पुलिस ने टीडीपी कार्यकर्ताओं को रोका और बाहर खदेड़ा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नरेंद्र मोदी पर कसा तंज, बोले राष्ट्रपति ने उन्हें मनोनीत पीएम बनाया लेकिन जनादेश को देखते हुए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। जेडीयू नेता केसी त्यागी का कांग्रेस को जवाब, बोले ईवीएम में गड़बड़ी अब नहीं दिख रही, नरेंद्र मोदी अगले 5 साल के लिए पीएम बनेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस नहीं देंगे इस्तीफा, सूत्रों के मुताबिक गृहमंत्री अमित शाह ने इस्तीफा देने से किया मना, सरकार बनने के बाद होगा मंथन। राहुल गांधी छोड़ सकते हैं वायनाड की सीट, सूत्रों के मुताबिक उपचुनाव में प्रियंका गांधी को उतारेगी कांग्रेस। मोदी सरकार 3.0 पर बोले छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, ज्यादा दिन नहीं टिकेगी सरकार, सीएम योगी की कुर्सी भी डोल रही है। मोदी सरकार पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा लोगों ने की संविधान की रक्षा, एग्जिट पोल होने चाहिए बंद। इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं बुलाए जाने से हनुमान बेनीवाल हुए नाराज, बोले मेरा अपमान हुआ है लेकिन फिर भी एनडीए के खिलाफ उठाऊंगा आवाज। पटना में सीएम नीतीश को लेकर लगे पोस्टर, पोस्टर पर लिखा टाइगर अभी जिंदा है, बीजेपी नेताओं ने भी की तारीफ। लैंडफिल जॉब मामले में सीबीआई ने दाखिल की अपनी चार्जशीट, सीबीआई ने 78 लोगों को बनाया आरोपी, लालू प्रसाद यादव समेत अन्य अधिकारियों के भी नाम शामिल। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों का नक्सलियों पर कहर लगातार जारी, नारायणपुर में 7 नक्सलियों को किया गया ढेर, 3 जवान भी घायल। हिमाचल प्रदेश में घुसपैठ कर रहे चीनी नागरिक को सुरक्षा बलों ने दबोचा, बिना परमिट भारत में दाखिल करने की कर रहा था कोशिश। जर्मनी दौरे पर एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी, जर्मन यूरोफाइटर विमान में उन्होंने भरी उड़ान। सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार की जमानत याचिका दूसरी बार हुई खारिज, स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में हुई है गिरफ्तारी।
नीट परीक्षा प्रक्रिया को चुनौती, दिल्ली हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। कोर्ट से उत्तर कुंजी से जुड़ी याचिका पर एनटीए का रुख जानना चाहा। मुख्तार अंसारी के करीबी शुमार अंगद राय और गोरा राय दोषी करार, 10 जून को कोर्ट सुनाएगी सजा। जेल में अभी भी बंद कैदी के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का लगा है बड़ा आरोप। दिल्ली में बिना लाइसेंस के चल रहा था महेश्वरी मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक, जी न्यूज के सवालों से बचते नजर आए यहां के कर्मचारी, बोले लाइसेंस की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश के सांसद की हत्या मामले के आरोपी को नेपाल से कोलकाता लाएगी पुलिस, हत्या करने के बाद नेपाल भाग गया था आरोपी। पीएफआई सदस्य पर एनआईए का बड़ा एक्शन, कोयम्बटूर में संपत्ति को किया अटैच, वहीं कोयम्बटूर में हिंदू फ्रंट नेता की हत्या का लगा था आरोप। अल कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई के बाद बोले पूर्व पाकिस्तानी पीएम इमरान खान, बातचीत केवल उन लोगों के साथ की जाएगी जिनके पास देश में वास्तविक शक्ति है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने की भारतीय न्याय व्यवस्था की तारीफ, चुनाव के लिए केजरीवाल की जमानत का दिया बड़ा उदाहरण। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में अभी भी बर्फबारी का सिलसिला जारी, ठंडक पाने के लिए पर्यटक गुलमर्ग का कर रहे हैं रुख। जयपुर में मौसम ने ली करवट, आंधी और तूफान ने बरपाया कहर, तेज हवा में 3 शेड उड़े, वहीं बिजली के खंभे और पेड़ भी गिरे। प्रतापगढ़ में आंधी और तूफान का दिखा असर, लोगों के घरों को पहुंचा नुकसान, पेड़ गिरने से सड़क पर लगा लंबा जाम। राजस्थान के झुंझुनू में भी चली तेज हवाएं, आंधी तूफान के बाद बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लोगों को तपती गर्मी से मिली राहत। गोवा में भी बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना, लोगों को गर्मी से मिली थोड़ी राहत, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थमी। अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगे शशि थरूर, युवाओं के लिए सीट छोड़ने की जताई इच्छा, बोले सेवा करने के लिए 5 साल बाकी है। अयोध्या में बीजेपी की हार पर अयोध्या वासियों को दक्ष चौधरी ने दी गाली, पुलिस ने किया गिरफ्तार, दक्ष ने ही कन्हैया कुमार को जड़ा था थप्पड़। मध्य प्रदेश के दतिया पहुंचे पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर, माँ पीताम्बरा देवी के किए दर्शन, आरती में भी हुए शामिल। जयपुर में भारत जोड़ो सेतु पर बड़ा हादसा टला, एलिवेटेड रोड पर लगा सानिज गिरा, 2 साल पहले ही बनाया गया था भारत जोड़ो सेतु। कुलदीप सेंगर की सजा को निलंबित करने से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार, उन्नाव रेप पीड़ित के पिता की हिरासत में हुई थी मौत। मुजफ्फरनगर में पानी की बाल्टी में गिरने से 10 महीने की मासूम की मौत, पानी में दम घुटने से बच्ची की जान गई। रायसेन में रॉयल बाघ को पकड़ने के लिए रिजर्व से बुलाए गए हाथी, रेस्क्यू टीम को देख झाड़ियों के पीछे भागा बाघ, आज फिर की जाएगी तलाश। दिल्ली के संगम विहार में पानी की किल्लत से लोग हुए परेशान, 10 से 15 दिन बाद आता है टैंकर, टैंकर के पानी के लिए भी देने पड़ रहे हैं रुपए। फर्जी मुठभेड़ मामले में 31 साल बाद परिवार को मिला इंसाफ, सीबीआई कोर्ट ने पूर्व डीआईजी और डीएसपी को सुनाई उम्र कैद की सजा, आतंकी बताकर किया गया था फर्जी एनकाउंटर। समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी को हुई 7 साल की सजा, विधायकी भी गई, कानपुर आगजनी मामले में हुई है सजा। राजस्थान के धौलपुर में कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में चाचा और भतीजे की दर्दनाक मौत, कार चालक मौके से हुआ फरार। राजस्थान के राजस्थान में बिजली गिरने से बुजुर्ग की मौत, खेत में काम करते वक्त गिरी बिजली, पुलिस ने शव को घर वालों को सौंपा। नोएडा के सेक्टर 113 में कार में अचानक लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बिहार के गया में पूर्व पार्षद के बेटे को बदमाशों ने मारी गोली, घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस ने आरोपियों की अब छानबीन में जुट गई है। बिहार के औरंगाबाद में 16 अपराधियों को सुनाई गई उम्र कैद की सजा, जुर्माना भी लगाया गया, अपराधियों ने की थी बुजुर्ग की हत्या। यूपी के चंदौली में आरपीएफ जवानों ने 9 बच्चों को बचाया, सीमांचल एक्सप्रेस से बच्चों को ले जा रहे थे तस्कर, आरपीएफ ने 2 तस्करों को दबोचा। यूक्रेन को मिराज जेट सौंपेगा फ्रांस, राष्ट्रपति मैक्रो बोले जल्द यूक्रेन के पायलटों को दी जाएगी ट्रेनिंग। राष्ट्रपति बाइडेन ने जेलेंस्की से की मुलाकात, रूस यूक्रेन युद्ध पर की चर्चा, देर से मदद पहुंचाने पर बाइडेन ने जेलेंस्की से मांगी माफी। रूस यूक्रेन युद्ध पर बोले रूसी राष्ट्रपति पुतिन, फिलहाल परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की जरूरत नहीं। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर मार्केट, शुक्रवार को 1,618 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ, वहीं निफ्टी में भी दिखी 500 अंक की बढ़त। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की बैंकों को सलाह, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करें सभी बैंक, इससे रुकावटों में कमी लाई जा सकती है। आरबीआई ने लगातार 8वीं बार ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव, 6.5% ही रखा ब्याज दर, यानी लोन भी नहीं होंगे अब महंगे। ऑटो पेमेंट का दायरा बढ़ाने के लिए आरबीआई का नया प्रस्ताव, फास्टैग एनसीएमसी में खुद से जमा हो सकेंगे रुपए। सोना चांदी की कीमतों में भी बढ़त जारी, 243 रुपए महंगा होकर 73,000 के पार पहुंचा सोना, वही 1 किलो चांदी भी आपको बता दे लगभग 500 रुपए की बढ़त।
टी20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच मैच जारी। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, वहीं अफगानिस्तान ने बल्लेबाजों की बेहतरीन शुरुआत। टी20 वर्ल्ड कप में आज श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच महामुकाबला, डलास के मैदान पर खेला जाएगा मैच। हेड टू हेड में श्रीलंका का पलड़ा भारी। टी20 वर्ल्ड कप मैच खेल रही कनाडा की जीत के साथ शुरुआत। आयरलैंड को 12 रनों से हराया, वहीं निकोलस क्रीटन ने 49 रन की पारी खेली। वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड ने नामीबिया को 5 विकेट से हराया। नामीबिया ने दिया था 154 रनों का लक्ष्य, वहीं 18.3 ओवर में जीता स्कॉटलैंड। अमेरिका से मिली हार के बाद बौखलाया पाकिस्तान, पाकिस्तानी क्रिकेट जगत ने बताया काला दिन।